कौन है ये? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गया? सर हमको बस अपना बात कहना है। हमें अपना बात कह लेने दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे यहाँ से। अरे यार कितनी बार समझा दिया है तुम्हें कि ये बड़ा स्कूल है, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर भी रोज रोज आगे खड़े हो जाते हो। जाओ यहाँ से। सुन लीजिए भैया, वो जहाँ हम काम करते हैं हमारे मालिक बताए थे कि गरीबों के लिए भी कोई योजना है यहाँ पर जिसमें हमारी बच्ची का एडमिशन हो सकता है। अरे योजना तो है पर उसके लिए लंबी लाइन कितनी लगती है जानते हो? नहीं हमारे बेटे तक का नहीं हो पाया एडमिशन, तुम्हारा क्या खाक होगा? भैया एक बार कोशिश तो कर लेने दीजिए ना, हो सकता है हमारी बिटिया के भाग से कुछ बात बन जाए। ठीक है आओ हम समझा देते हैं तुम्हें। आ जाए। सब कागज पत्री लगेगा तुम्हारा। ऐसे क्या देख रही है? खुशी देख रहे हैं आपका, पर पक्का है ना कि वहां पर बिटिया का एडमिशन हो जाएगा? कैसा बात करती हो तुम? अरे सरकार जो है ना ये योजना हम जैसे गरीबों के लिए ही बनाई है, अब देखना हमारी बिटिया भी ना पूरा टाई पहन के स्कूल जाएगी। अरे राकेश सर। नमस्कार। नमस्ते, क्या हुआ यहाँ कैसे? सर वो बिटिया के एडमिशन के लिए आए थे, वो आप बताए थे ना हमको कि गरीबों के लिए यहाँ योजना है, तो उसी में फॉर्म भरा है अपनी बिटिया का। वो आप उत्कर्ष बाबा का एडमिशन भी यहीं करवा रहे हैं ना? हाँ, तो तेरी बेटी का आ गया लिस्ट में नाम? अभी लिस्ट देखे तो नहीं है लेकिन आ ही जाएगा, गरीब लोगों के लिए योजना है तो नाम तो आ ही जाएगा। वैसे हम पता किए थे यहाँ ज़्यादा बच्चे लोग भरे नहीं है, तो भगवान ने चाहा नाम आ जाएगा। ठीक है ठीक, चल देख ले। वो आप उत्कर्ष बाबा का एडमिशन भी यहीं करवा रहे हैं ना? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। कौन है ये? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गया? चलिए बाहर जाइए, निकालिए बाहर निकालिए। सर मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश करी पर ये जबरदस्ती अंदर घुसा है। सर हमको बस अपना बात कहना है, हमें अपना बात कह लेने दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे यहाँ से। देखिए अगर लिस्ट में आपके बच्चे का नाम नहीं आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, जाइए यहाँ से। टाइम तो बर्बाद हो ही गया है सर, बिटिया के एडमिशन के लिए हम छुट्टियों पर छुट्टियाँ लिए जा रहे थे, सोचा था थोड़ा मेहनत करेंगे तो अपनी बिटिया के लिए अच्छा समय ले आएंगे। सही समझे थे सर आप,
हमारी बेटिया का नाम नहीं है उस लिस्ट में। हालांकि जब हमने फॉर्म भरा था ना तो हम पढ़े थे उसमें, साल का इनकम 1 लाख से नीचे होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे का आदमी होना चाहिए तो ही इस योजना का फायदा मिलेगा। हमने तो सारे नियम पूरे किए थे सर, फिर हमारी बिटिया का नाम क्यों नहीं है उस लिस्ट में? अरे ये कैसा सवाल है, जैसे आपने फॉर्म भरा था वैसे ही और भी लोगों ने फॉर्म भरा था। अब आपके बच्चे का नंबर नहीं आया, किसी और के बच्चे का नंबर आ गया होगा। किसी और के बच्चे का नहीं सर, हमारे मालिक के बच्चे का नाम, जहां हम काम करते हैं। जिन जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है ना सर, उनके माँ बाप लोग बाहर कार से आए हैं। कार से कौन सा गरीब आता है सर? क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमारा जो मालिक है वो हमसे भी ज्यादा गरीब है, और वो सारे लोग जिनके बच्चों के एडमिशन हुए हैं वो सब हमसे ज्यादा गरीब हैं। अरे आप जानते नहीं है सर, हमारे मालिक का जो बेटा है ना, वो जो मोबाइल इस्तेमाल करता है ना, वो हमारा साल भर का कमाई भी नहीं है। वो होता है ना जिसमें आधा सेब कटा हुआ सेब चिपका होता है। ये बात और है कि हमारी बिटिया को सेब का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं होता सर। गरीब के लिए योजना बना था ना, तो गरीब के लिए बनी हुई योजना का फायदा ये अमीर काय उठा ले जाते हैं। बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन जो आपका ये स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं है, ये धंधा है, बिजनेस है, और बिजनेस तो बराबरी के लोगों के साथ किया जाता है ना सर। हमारा जैसा आदमी तो आपके वहां चपरासी, चौकीदार, जमादार ये सब लग सकता है, हमारा बच्चा थोड़ी यहां पढ़ सकता। कोई बात नहीं साहब, हमारी बिटिया का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन हम उसे एक बात जरूर सिखाएंगे कि आदमी को ना कोशिश करते रहना चाहिए, कब तक नई दीवार टूटेगी, क्योंकि आप जैसा लोग हमारा सब कुछ छीन सकते हैं लेकिन हमारा सपना देखने का हक नहीं छीन सकते हैं। चलते हैं साहब।